नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ संकल्प मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं, एक बार में उन संकल्पों को दोहराता हूं। पहला, हर व्यक्ति को जमीन, शुद्ध पीने का पानी, सबको राशन, बीमारी में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम सरकार करेगी। मुझे खुशी है, जनभागीदारी लगातार देश के विकास में बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको सुनिश्चित करना है तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने शुरू किया है। आप सभी का, जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई ना कोई एक काम अपने गाँव और अपने शहर के लिए ज़रूर करें। हमारे जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं जनजाति के भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, 18 सितंबर तक हम प्रदेश में पैसा एक्ट पूरी तरह से लागू कर देंगे और 18 सितंबर को उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमने जो घोषणा की उनका पालन पूरा कर दिया जाएगा। राशन के वितरण के लिए, परिवहन के लिए एक अलग योजना है जिसमें हमारे नौजवान खुद गाड़ी खरीद कर राशन पहुंचाने का काम करेंगे, उसे हम अलग से लागू करने का काम कर रहे हैं। माँ बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेकर आए। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 6:1 पहले था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां बढ़कर हो गई हैं, 1000 बेटों पर 976 बेटियां। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उसके अतिरिक्त मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल लिखित भाषण के अलावा इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास अगर पूरी तरह से हमको सुनिश्चित करना है तो अकेले सरकार के सक्रिय होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी भी सदैव कहते रहे और मैंने भी हमेशा कहा है, विकास में जनता की भागीदारी परम आवश्यक है, और इसलिए गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस मनाने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। हजारों गांवों का गौरव दिवस मनाया जा चुका है, कई शहरों का गौरव दिवस भी मनाया जा चुका है, इसको हम लगातार जारी रखेंगे। गांव के गौरव दिवस का मतलब है गांव की जनता को गांव के विकास से जोड़ने का काम, और शहर का गौरव दिवस मतलब शहर का आमजन भी शहर के विकास से जुड़ जाए और हम अपनी तरफ से कोई ना कोई एक काम अपने गांव और अपने शहर के लिए ज़रूर करें, चाहे आंगनबाड़ियां ठीक करने का काम हो, स्कूल ठीक करने का काम हो, अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं जो हम करने का फैसला कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। माँ बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक